मुख्यमंत्री साहब है उन्होंने तो पुछो गृह महकमा उन्होंने को मेरे को जिस बारे चीज़ बारे जानकारी नहीं मैं थोड़ा गलत जानकारी नहीं साझी कर सकता तुम्हें मेरे महकमे न संबंधित सिक्ख्या नाल कोई और कुछ पूछना जरूर पूछो पिछले दिनों अनमोल गगन मान इसे हल्के मैं बिल्कुल इंक्वायरी बिठा दी उन्हें एसडीओ के खिलाफ रिपोर्ट दी है तो जो भी दोषी पाया जाऊगा असं तो यह कह रहे कि मैक्सीमम सस्पेंशन साढ़े महकमे ने की पर अज तो पंजाब एक एज अ माइनिंग मिनिस्टर मैं कह सकता कि एक भी सरेआम खड्ड चलती हो मैं जिम्मेदार है हर रात बरात कोई ना कोई जिम्मे मिट्टी की खपत करके मिट्टी की उत्तर माइनिंग हो रही थी तो कित भी है जी अगर अभी मिट्टी में सौखा कर दिता मैं जो भी लोग इस काम का काम करते उन्होंने भी कहूँगा जो 3 फुट तक कटनी है फ्री है उस तो बाद परमिट लो क्यों तुम गलत काम करते हो सरकार थोड़ी मदद कर ली है सरकार को रेवेन्यू दो तो करो वह एक पूरा प्रॉपर मापदंड है इलीगल ना करो तो दूजी गल भी दस देना जी बहुत हैवी फाइनस असं कर दते हैं कलों फिर कहेंगे 1 लाख रुपया अगर कोई भी इलीगल ट्रक टिप्पर फड़िया जाता 1 लाख रुपए तो लेकर 2.5 लाख रुपए तक उत्ते जुर्माना होगा मिट्टी ते भी जी वीडियो बाहर आई है बाइट आई है कि कैदी कह रहा है कि बरनाला जेल से दवाइयां नहीं मिलतीयां नशा बड़े बड़े मैं देखी नहीं था मैंने पेट में देखा भाई साहब जेल के पीछे कितने कनेक्शन निकल रहा है हां हां दसो दसो तुसी तो होया प्राइवेट इसको पहला स्मार्ट स्कूल तमाम अपने ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟ ਰੁਕ ਜਾਓ ਜੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ जिसका नाम है जी मिशन 100% गिव योर बेस्ट मिशन 100% का जो मंतव है वो मंतव यह है कि साढ़े बोर्ड क्लासा के पढ़ते बच्चे 8वीं 10वीं 12वीं तक कोई एक विद्यार्थी भी फेल ना हो जाए तो जिहड़े बच्चे ब्राइट स्टूडेंट्स ने उन्होंने उत्ते होर जोर ला के आप मैरिट मैक्सीम तो मैक्सीम करिए तो पंजाब का नतीजा पूरे देश नंबर एक होना चाहिए उस दे लई जिथे टीचर्स जीरो पीरियड लाएंगे उन्होंने मोटीवेट किया गया एक्सट्रा क्लासिज लाएंगे टीचर्स को कहा गया कि मॉर्निंग वेकअप कॉल्स दो उत्थे बच्चों के लिए असी बच्चों के लिए एक लोगो किया बच्चों को कहा गया कि आपसी ग्रुप बनाओ 3-4 जने बच्चे इकट्ठे होकर स्कूलों पढ़न ड्यूरिंग रिसेस पढ़न उस तो अलावा बच्चों को कहा गया घर जिदा के भी हालात है जिदा के भी हालात है चाहे एक कमरे का घर है पर अपने घर के कोई रीडिंग कॉर्नर जरूर बनाओ सवेरे जल्दी उठो नाल इसके अलावा जिहड़ा है कि अपने कमरे से कोई ना कोई मोटीवेशनल पोस्टर लाओ ताकि आप जो बच्चे है तो पंजाब के सरकारी स्कूल के बच्चे है वो कॉम्पीटिशन दे सकन प्राइवेट में भी तो पूरे देश के बच्चों भी इस तो बाद बहुत ही जल्दी तुम मन के चलो विद इन 2 वीक्स 2 हफ्तों के 100 स्कूल ऑफ एविनेंस वो लॉन्च हो जा रहे हैं इस तो नाल ही असी बहुत व्डे पद्धर से पहली बार इनरोलमेंट ड्राइव तुम पहली बार पंजाब के सरकारी स्कूल ऐड करते देखेंगे तुम अज तक प्राइवेट स्कूलों का देखा होगा दाखिला शुरू पर पहली बार मैं हमेशा मीडिया में भी बेनती करता हूँ तो थोड़ा मैं भी दस दिना जी बतौर सिक्ख्या मंत्री मैं अपने कई साथी कई रिश्तेदार कई दोस्त नाराज कर ले पर एक भी प्राइवेट स्कूल के एडमिशन लिए फोन नहीं किया कभी कोई यह कह दे हरजोत बैंस का फोन आया हो मैं नहीं जदों तक यह प्रथा नहीं खत्म करा बतौर सिक्ख्या मंत्री मैं किसी प्राइवेट स्कूल च नहीं क्योंकि मैंने अपने सरकारी स्कूल ठीक करने ने तो तुम देखोगे पहली बार असी ऐड होगी पंजाब स्कूल सिक्ख्या विभाग ऐड करूगा असं अपने स्कूलों की हकीकत दसांगे कि मौजूदा स्थिति है जो बहुत साढ़े को बहुत शानदार स्कूल भी है तो आने वाले समय के भी साढ़े स्कूलों के आह चीज़ा असं इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि लोगों को पंजाबियों भी लगे कि हाँ जिस मंतव के नो सरकार लेके तो जो साढ़े मुख्यमंत्री साहब की सोच है सो साढ़े मुख्यमंत्री साहब की सोच है असं सोच के उत्ते वाकई दिखा सके तो थानू बहुत जल्दी वो भी है तो टीचर्स के उत्थे टीचर्स पूरे किए जाएंगे नवा इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आ रहे हैं प्राइवेट स्कूलों तो वधिया फर्नीचर थानू सरकारी स्कूलों देखने को मिलेगा आने वाले समय के इस करके अपने बच्चों पब्लिक स्कूलों की लुटते ना पाओ प्राइवेट सरकारी स्कूलों से पढ़ाओ प्राइवेट स्कूलों के हाथों ना लुटो कई तो मैं इदा के जो बहुत छोटे छोटे स्कूल ने जी उन्होंने साढ़े सरकारी स्कूल बहुत वधिया ने बहुत कैपेबल टीचर्स ने तो उन्हों की जिम्मेदारी मैं खुद मोनीटर कर रहा इस करके जिम्मेदारी बतौर सिक्ख्या मंत्री कह रहे हैं कि अपने बच्चों तुम सरकारी स्कूलों फरार हो जाते हैं मैं उस दस रहा जी जो जो तक जेल के आदमी उसकी जिम्मेदारी साड़ी उस तो बाद स्टेट पुलिस चाहिए मैं सब एक ऐड होना है कि कहते कोई भी घटना वापरती है उसकी जी शुरुआत तो जेलों की होती नजर आती है गैंगस्टर जेलों के मैं देखो जी जदों तुम देखो ना जे माड़े तत्व है पंजाब के उस जेलों बैठे ने ओबियसली उतों ही होगा पर आने वाले समय के असं जिमें इसी महीने जो देखोगे 2 जेलों के साढ़े जैमरस जोड़े साढ़े जैमरस इंप्लीमेंट हो रहे 2 जेलों के 2 मिनट साढ़े जेलों के जैमरस इंप्लीमेंट हो रहे हैं असं होर भी बहुत सारे समाजिक सुधार जेलों के कर रहे हैं जिम्मे कोशिश है मैं थोड़ा फिर मेरी एक बेनती सुनो जी बड़ी सिंपल जी गल है अक्सर मीडिया एक खबर चलाता जी और जेल फिर सुर्खियों चुने फोन फड़े गए साड़ी कामयाबी है असं अज की डेट जो फोन कर रहे थे हाईएस्ट रिकवरी पहला क्यों नहीं फड़े जाते सर जाते जाते थ्रू है बंसल साहब तुम दस दो दोबारा उच्चिया क्यों जेल असं नवी फिर तुम दस रहे बॉडी स्कैनर उत्ते काम हो रहा मैं थोड़ा अगे भी किया दूजी गल है जेलों हूँ शहर आ चुकी हैं जो तुम उत्तर जैमर लाते हो तो आले दुआले महल वाले करते हैं एतराज करते हैं बारहों मैं अगे कई बार थोड़ा थ्रो के पैकेट भी दिखा चुके हैं मैं अक्सर पोस्ट भी कर दिता जिम्मे जर दे पूरी गल करते थ्रो मारते हुए 2 मोबाइल पाते 2 बीड़ी ने पैकेट मारते सीधा बारहों थ्रो मारते हैं असं डॉग्स इंट्रोड्यूस कराते बहुत घटे है मैं पर थानू हमेशा कहा कि मोबाइल का यूज़ तो नशा जेलों च घटे है
सख्ती वधी है 100% वधी है। हाँ अज जे मैं कहां कि मेरी जेल नशा मुक्त है मोबाइल मुक्त नहीं, मैं कभी झूठा दावा नहीं करूंगा, पर वो दिन लेके आवांगे इसी टर्म्स लेके आवांगे जल्द लेके, जिस दिन मैं ठोके कहूंगा कि मेरी जेल नशा मुक्त भी ने ते मोबाइल मुक्त भी ने। बॉडी स्कैनर्स लेके आ रहे हैं, डॉग्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जी, जिथे 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 जैमर्स इंट्रोड्यूस, जैमर्स की भी कई टेक्नोलॉजियां ने। अक्सर मैं देखता बहुत सारे लोग कमेंट कर देते हैं जी अच्छा जी जैमर जैमर बहुत कंपलैक्स प्रोसेस है जी, मैंने कोई कंपनी का नाम दस दो, कोई कोई हिंदुस्तान की जेल दस दो जिसे जैमर लगे हो, पूरी जेल में जैम करना इज अ बिग थियोरेटिकल टेक्नोलॉजी भारत सरकार को भी है नहीं, पर असी अलग अलग टेक्नोलॉजियां दो जेलों के कोई वक्री टेक्नोलॉजी किसी जेल के कोई वक्री पायलट करके कि जी सब तो ज़्यादा कारगर है उन्होंने सारे पंजाब इंप्लीमेंट कर देवे। तो पंजाब के बहुत जल्दी साढ़े सीएम साहब की रहनुमाई हेठ उन्हें एक हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत की है उन्होंने, एक अल्ट्रा मॉडर्न हाई सिक्योरिटी जेल पंजाब बनूगी जिहड़े पंजाब दे किते तुसीं कह सकदे नवां शहर जलंधर के आस पास किते उहदी असीं जगह दी भाल दे विच आ, ते उहदे विच ही अदालतां होणगीआं जिहड़े जिहड़े हाईली क्लासीफाइड प्रिजनर्स ने उन्हां दी तरीक उत्थे ही पिया करूगी, ते उह अपने आप ते उह आबादी तों दूर लभण दी कोशिश तां कि उत्थे जैमर्स ते जिहड़े जिन्ने वी आ ड्रेडेड क्रिमिनल्स ने इन्हां नूं उत्थे रख सकदे। पैसा पैसा जुड़िया मसला है, पैसा स्कूलां नाल जुड़िया मसला है जी, जिस तरह हुण तुसीं यूनिवर्सिटी च देखिआ कि साडा प्रबंध ने की लगदा साडे प्राइवेट स्कूल साडे सर थानूं बुलावांगे फंक्शनां च क्यों घबरांदे हो, इसी मैं बुलावांगे एनआईए वल्लों जिहड़ा कैदीआं दी छपाई दी गल कीती जा रही है ते नॉर्थ दे जिहड़े कैदी ने उह साउथ विच मेरी इनक बेनती है जी, देखो सिंपल जी गल ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸਾਡੀ ਫਾਈਨਲ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ, ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੈਮਰ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਗਰ NRE ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸਾਈਡ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਦੈਨ ਵੀ ਆਰ ਹੈਪੀ ਟੂ ਸਰਵ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 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 ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਓ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੀ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, 28 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਊਗਾ ਕੌਣ? ਟੀਚਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਵਰਗ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਟੀਚਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, AIG ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ 6000 ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਰੀਟੋਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਹਾਈਲੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਸਭ ਦਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੂਬਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਸਮਰੱਥ ਹੋਈ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਲੁੱਟਿਆ ਉਹ ਭਰਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੀਚਰ ਕੁਝ ਪੱਕੇ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਸਭ ਦਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ